बेगूसराय में जदयू विधायक राजकुमार सिंह के बेटे की शादी के बाद रिसेप्शन समारोह में हिस्सा लेने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय पहुंचे। देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी के साथ शहर के केडीएम पैलेस पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक के पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हर हर महादेव चौक के आसपास काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। दरअसल जदयू के विधायक राजकुमार सिंह के बेटे की शादी 10 जून को दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद आज 15 जून को केडीएम पैलेस में अपने आवास पर रिसेप्शन पार्टी रखी गई। इस रिसेप्शन पार्टी में हिस्सा लेने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। करीब आधे घंटे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केडीएम पैलेस में रहे और लोगों से दूल्हा दुल्हन के साथ अन्य नेताओं से मुलाकात करने के बाद फिर वापस पटना रवाना हो गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।